आवासीय स्कूल में प्रताड़ना से तंग आकर भागी छात्रा। जहां एक ओर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा गरीब बच्चियों के लिए खोला गया आवासीय विद्यालय में बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। मामला है बागमारा प्रखंड मुख्यालय स्थित झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का। सातवीं क्लास की एक दलित छात्रा पढ़ाई के स्थान पर स्कूल में काम कराए जाने से तंग आकर स्कूल से भाग गई। छात्रा बागमारा प्रखंड के डुमरा तेलो टाड़ बस्ती की रहने वाली है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि स्कूल वार्डन पढ़ाई पर कम और काम ज्यादा करवाती थी। रोटी बनाने के लिए 182 आटे की लोइया करवाती थी, पानी भरवाती थी, झाड़ू पोछा तक करवाती थी और जब भी तबीयत ठीक नहीं लगने की बात कहती थी तो वार्डन बोलती थी कि बहाना बनाती हो। एक दिन लेट गए थे तो मैम हमको बोले तुमको काम करना होगा दुर्गा पूजा तक। फिर हमको ही हमेशा भेजते थे, बोलते थे कि सुबह सुबह पानी लाने, क्लास झाड़ू, रूम झाड़ू, सब्जी काटने बोलते थे और शाम को भी सब्जी काटना पड़ता था। हम लोग 8 जन रहते थे जिसमें दीदी लोग रोटी बनाते थे और 2 जन सीखते थे और हम लोग 7 क्लास के रहते थे तो हम लोग को 183 जन का गोली करना पड़ता था। और कमर दर्द देता था, उठते थे तो आंटी लोग डांटती थी और किसी का तबीयत खराब होता है तो मैम बोलती है नाटक कर रही है, दबाव नहीं देती थी। नहीं, जब ज्यादा हद हो जाती थी तब देती थी, ऐसे नहीं देती थी। हम बोलते तो हमको हमेशा डांटते रहती थी। मैम बोले तुम्हारा तबीयत खराब तो होते रहता, तुम खाली घर जाना चाहती है, बोलते खाली चटर पटर खाते रहते और हम पापा को मना भी करते लाने के लिए और नहीं भी लाते। कैसे भागी थी स्कूल से? बाउंड्री से। कितना बजे तक निकली थी स्कूल से? 5:45 शाम को सुबह पहले तुम घर गई। जब पीड़ित छात्रा विद्यालय से भागकर अपने घर पहुंची तो घर वाले पूरी तरह से दंग रह गए और बच्ची से पूछने पर बच्ची ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद माता पिता उसे लेकर डुमरा दक्षिण की मुखिया नर्मदा सिंह के घर पहुंचकर सारी बात मुखिया नर्मदा सिंह को बताई। वहीं छात्रा के माता पिता ने बताया कि मेरी बेटी से स्कूल में पढ़ाई के बदले में काम कराया जाता था जिससे तंग आकर स्कूल से भागकर घर आ गई है, जिसके बाद मुखिया द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से फोन पर बात कर मामले की शिकायत की गई। मुखिया नर्मदा सिंह ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय स्थित झारखंड आवासीय विद्यालय का एक मामला आया है जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। यहां पढ़ाई के जगह पर बच्चियों से काम कराया जाता है और ये सरासर गलत है। ये मामला है एक बच्ची का जो कि विद्यालय से भाग करके मेरे पास 28 जून को करीब रात के 9 बजे पहुंची है, तो मैंने इस पे संज्ञान लिया है और बीओ सर से भी बात हुई है, टीचर्स को भी बुला करके बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बच्ची की शिकायत थी कि हम लोगों को वहाँ पे टॉर्चर्ड वे में काम करवाया जाता है, तो अगर काम करवाना उनको सिखाने के पर्पज से है तो फिर ठीक है, उनसे बात हुई है कि वो आगे से ऐसा ना करें। तो फोन किया कि पापा काम करवाते हैं, हम नहीं रहेंगे। हम लोग ठीक है मैडम से हम बात करते हैं, मना कर देंगे मैडम को। तो हम आए दूसरे दिन मैडम को बोलने कि मैडम ऐसे ऐसा बात है तो काम नहीं करवाइए और बता रही है कि दुर्गा पूजा तक करना होगा, तो मैडम बोले नहीं करने दीजिए कुछ नहीं होगा। नहीं मैडम, मना कर दिया, काहे बोल रहे थे कि हम स्कूल में नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। तो मैडम बोला ठीक है कल हम आके बोलेंगे। तो फिर बच्चा को रात में परेशान किया, मैडम लोग बोलती है सब बच्चा के सामने कह रहे ये लोग कैसे, तो बोलो रोटी पकाएगी हम लोग को पका खिलाती है, ऐसे शिकायत की। तो बच्चा उनको भूखे रात में सो गई और सुबह में कहीं से मौका मिला वो अपना निकल के घर अपना चली आए। घर आने के बाद उसका मम्मी हमको फ़ोन किया ऐसे सब बात है आ गए, तो हम लोग ठीक है हम आते हैं। तो हम झरिया में थे, आए तो फिर मैडम उडम कोई फ़ोन नहीं किया, फिर हम सोचे कि फ़ोन करते हैं मैडम को, तो फिर हम देखते हैं मैडम खोज पाती है ना क्या बोलती है। फिर 7:30 बजे फ़ोन किया कि ये लोग कैसे घर आपका पहुंच गया, तो मेरा परिवार बोला कि हाँ पहुंच गए। तो मेरा परिवार बोला मैडम को
क्या बच्चा को आप क्या ध्यान देते हैं, बच्चा को तंग करते हैं, बच्चा बोल रहे थे कि काम कराती है, ये करती है, वो करती है, एक घंटा बैठ के पाँच छः बच्चा बैठ के गोला बनाते हैं, कमर दर्द हो जाता है, ये दर्द हो जाता है, पानी भरवाता है, तो इसी के कारण बच्चा हमारा स्कूल से किसी तरह भाग के चले आए। और जो सीनियर मैम था, मैम को बोले तो मैम बोले ठीक है हम आके मना करवा दें, तो ऐसा कुछ नहीं किए और बच्चा को फिर भी काम कराया। उस रात में बच्चा भूखे पेट रात में सो गया। अभी बात में तो क्या है? अभी बात में अभी कुछ उस तरह से नहीं हुआ कि वो क्लियर हमको समझ में नहीं आया क्या सरकार हैं, क्या करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मेरा यही है कि मैडम लोग को थोड़ा दबाव बनाया जाए, मेरा ही बच्चा ही नहीं और भी बच्चा है, और भी बच्चा नहीं शिकायत कर पा रहे हैं, इसलिए हम कदम उठाएं कि मेरा भी बच्चा नहीं और भी बच्चा है, इसलिए हमारा बच्चा सबका बच्चा एक है, एक समान सबका हो, यही विचार हो के हम ये कदम उठाए हैं। मामले को सुनकर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी कमल किशोर राणा ने सभी को अपने कार्यालय बुलाया और मामले की विस्तृत जानकारी ली, साथ ही बच्ची से भी बात कर मामले की पुष्टि की और स्कूल के शिक्षिकाओं से भी इसको लेकर बात करते हुए ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए सशक्त हिदायत दी। वहीं कमल किशोर राणा ने सरकारी कुव्यवस्था का रोना रोते हुए और मामले को स्वीकारते हुए कहा कि एक छात्रा का स्कूल से भागने का मामला सामने आया है, पूछताछ करने पर पता चला है कि बच्ची से काम कराया जाता था जिसके कारण बच्ची स्कूल की बाउंड्री कूदकर भाग गई थी। हमारे पास पर्याप्त सुविधा नहीं है, टीचर की कमी है, शौचालय नहीं है, कई बार जनप्रतिनिधियों को भी कहा गया है लेकिन अभी तक कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मामले का सच्चाई का जानने का प्रयास आप लोग की उपस्थिति में ही किया गया है। बात सही है कि लड़की कल दीवार छान करके बाउंड्री पार करके चली गई थी, शिक्षकों को जानकारी नहीं हुआ, जब इन लोग काउंटिंग किया तो एक लड़की कम मिला, जिसके चलते इनका गार्जियन से तुरंत उन लोग संपर्क किया और बच्ची सही सलामत घर चली गई थी। उनका गार्जियन बोला कल हम लेकर के आएंगे, आज आए थे यहाँ पर, बातचीत हुई, लड़की बोल रही थी कि यहाँ के टीचर लोग आटा से लोया कटवाती है, ये भी बात सही है, सभी लड़की लोग कुछ न कुछ काम करती है यहाँ पर और कोई अलग से कोई काम उन लोग से नहीं कराया जाता है। फिलहाल कहीं कोई दिक्कत इस स्कूल में नहीं है, ये सत्य है कि इस स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है, सरकारी टीचरों को डिप्यूटेट करके 3 टीचर को रखा गया है, गार्ड की भी कोई सुविधा नहीं है, बाउंड्री भी बहुत छोटा है, इससे संबंधित कई बार DC अपने विभाग को, विधायक को, मुखिया को, BDO को मामला उठाया गया है लेकिन कहीं किसी प्रकार के कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है, इसलिए असुरक्षा की यहाँ पर भारी संभावना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं प्रतीत होता है। सरकार की कमी, ये सब कमी है तो सरकार की ही कमी है, सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को कमी है, मुखिया यहाँ के हैं, यहाँ के BDO है, यहाँ के प्रमुख है, सारे लोगों को संज्ञान में है, विधायक जी हैं, विधायक जी को भी बोला गया है, शौचालय नहीं है यहाँ पर पर्याप्त, बच्चों की संख्या अधिक हो रही है, विभाग को हमने DC के यहाँ स्वयं मामला उठाया कि इसका स्कूल के बगल में जिला परिषद का बिल्डिंग भी है उसको भी देने के लिए मामला उठाया लेकिन अभी तक आवंटित नहीं हुआ है। लगता नहीं कि सरकार और जनप्रतिनिधि बड़ी घटना की इंतजार कर रही है? ये तो हम नहीं बता सकेंगे, ये मेरा ड्यूटी में नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि अगर सुविधा नहीं दिया जाएगा, लड़कियों का मामला है तो असुविधा कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे सफल हो पाएगा, सरकार के लाख सुविधा मुहैया कराने के बाद भी कहां सरकार से चूक हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अंधकार में डूबता नजर आ रहा है, ये गंभीर मामला है, इस पर सरकार को कड़ी कदम उठानी चाहिए।